नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि सिवान के एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि अंदर में जो स्वर्ण व्यवसायी थे उसको अपराधियों ने लूटा और गोली मारा। उस संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उन्होंने बहुत सारे बातें बताया और जितने भी अपराधी थे इस संलिप्त में जो घटनाएं में उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 26/12/22 को आंदर थाना अंतर्गत एक जगह है दाहाबारी मोड़, जो एमएच नगर की तरफ रास्ता जाती है, उसी दाहाबारी मोड़ के पास एक घटना घटी थी, जिसमें एक आंदर थाना में आंदर बाज़ार में ही एक दुकानदार हैं जिनका दुकान का नाम है ममता ज्वेलर्स। वे अपनी मोटरसाइकिल से अपना दुकान बंद करके जा रहे थे। उस क्रम में अपराधकर्मियों के द्वारा उनका जो दुकान का झोला था वह झोला और मोटरसाइकिल लूटा गया और उस क्रम में उनको गोली मारी गई जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो इस घटना के बाद हम लोगों ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और इसमें भी हमारा जो इंस्पेक्टर DPO हैं और जो पुलिस निरीक्षक आंदर हैं उनके नेतृत्व में हम लोगों ने SHO हुसैनगंज, SHO आंदर, SHO MH नगर की एक टीम बनाई और टीम बना के इसका छापामारी शुरू किया। तो इस क्रम में पुलिस ने काफ़ी तत्परतापूर्वक, यानी मैं आपको बता दूं कि घटना घटने के 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटे के अंदर ही इस घटना में शामिल 4 अपराधकर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिन्होंने गोली चलाई थी उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। उन्होंने सारा घटनाक्रम भी बताया है और उनके पास से घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा, गोली, मोबाइल और जो सामान लूटा गया था, आपके सामने सामान है, जो बैग था जिस बैग में वो सामान लेकर जा रहे थे, वह बैग भी, उनके दुकान का सारा चाबी भी, उनका सारा खाता बही और दुकान में से लूटा गया, छोटे ही व्यवसायी हैं उनका, तो उनके दुकान से लूटा गया सोने का करीब 100 ग्राम का आभूषण और चांदी का 400 ग्राम का आभूषण यह बरामद किया गया है। इस प्रकार इस घटना में शामिल जो भी अपराधकर्मी थे इस सारे 48 घंटे के अंदर पकड़े गए और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसकी भी बरामदगी पुलिस ने कर ली है जिसका इस्तेमाल किया था। और इसमें सबसे आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि जो अपराधकर्मियों ने यह आभूषण की लूट की थी इसका जो रिसीवर है एक महिला है यहाँ पे मीरा देवी, उनके भी पुलिस ने गिरफ्तारी की है और उनके पास से भी यह लूटा गया सामान जो उन्होंने खरीदा था 22,000 रुपये में वह भी बरामद किया गया है। और उस 22,000 रुपये से जो अपराधकर्मी ने मोबाइल खरीदा था वह मोबाइल भी आपके सामने यहाँ बरामद है। तो इस प्रकार इस घटना का कंप्लीट उद्भेदन हो गया और जो अपराधकर्मी शामिल थे ये सारे गिरफ्तार हो गए। एक अपराधकर्मी के बारे में इन लोगों ने और बताया है तो उसके लिए पुलिस प्रयास कर रही है और एक दो दिन में वो भी अपराधकर्मी इसमें पकड़े गए। अभी मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ जो अपराधकर्मी हैं इसमें। अपराधकर्मी हैं तैस उर्फ कैफ, जो घटना स्थल के बगल के ही रहने वाले हैं, गायघाट गाँव के, अभिषेक यादव गायघाट के, मोहम्मद ताजुद्दीन पकवलिया थाना अंदर के, अमर उर्फ सईद रहमान पियाउर थाना MH नगर के, और मीरा देवी पता लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला नगर की, जो रिसीवर हैं जिन्होंने इनसे गहना खरीदा था 22,000 रुपये का। ये लोग पहले एक बार जेल जा चुका है लेकिन इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है अभी हम आपको देंगे, लेकिन पहले सब जेल जा चुका है और वह केस इस तरह का कोई गंभीर हत्या का केस नहीं था, इस बार इन लोगों ने इतनी बड़ी घटना कारी। सर, इस महिला का कोई पहले का कोई बैकग्राउंड है कि जो अभी पूरा ढाला खंगालेंगे इसको, इन महिला के बारे में हमको अभी पूरा जांच करना है कि इसकी सारा सामान बरामद। हाँ, पूरा सामान बरामद हो गया, अब काम्स भी मिल गया, सामान भी मिल गया, झोला, उनका चाबी और खाता बही, मतलब कंप्लीट सेट आपको बरामद हो गया। सर, दो दो मामले मैरवा और अगर बात करें आंदर की तो दोनों जगह पे पुलिस की तत्परता और दिखाने के बाद 48 घंटे के में ही मामला सॉल्व कर लिया गया। ऐसे में जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे उनको नहीं, अब पुलिस के लिए एक दिन में दो दो लूट हो जाना पुलिस के लिए बहुत काफ़ी चैलेंज का विषय था। और इसमें हमारे थाना प्रभारी विशेष रूप से हम आपको एकदम मेंशन करना चाहेंगे कि जो मेरा दोनों इंस्पेक्टर है, मैरवा का भी और आंदर का भी, इन दोनों इंस्पेक्टर ने लीडरशिप क्वालिटी दिखाया है और एकदम लीड किया है पूरे मामले को और उद्भेदित कराया है। तो हम निश्चित रूप से जो भी मेरा थाना प्रभारी है इसको तो हम अभी कभी पुरस्कृत करेंगे और जो हमारे इंस्पेक्टर हैं इनके लिए मैंने DI साहब से बात की है, अभी आज के ही आदमी इनको DI साहब से पुरस्कृत कराएंगे। बहुत ही अच्छा काम किया है हमारा SDPO है, SDPO ने भी बहुत मेहनत किया है, इनको भी हम लोग जो प्रशस्ति पत्र देना हो गया जो भी बनता है हम जरूर सबको देंगे। पूरे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ने बहुत ही एग्जेम्पलरी वर्क किया है और दोनों मामले को चैलेंज के रूप में लेके 48 घंटे के अंदर
सॉल्व कर दिया है।